नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मिनी स्टेडियम बनने के दौरान खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। UPPCL प्रोजेक्ट के तहत 4 करोड़ के आसपास बन रहा है मिनी स्टेडियम। मिनी स्टेडियम में मानकों को ताक पे रख कर बनाया जा रहा है स्टेडियम। स्टेडियम के निर्माण में खराब ईंटों का हो रहा है प्रयोग। आप लगातार इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर खराब ईंटों के साथ 41 जगह 61 का मसाला लगाकर प्लास्टर किया जा रहा है। मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। जब इस संबंध में वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने खराबी ईंटों को हटाने की बात कही। लगभग 4 करोड़ की लागत से बन रहे मिनी स्टेडियम को लेकर आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें जो कुछ और ही बयां कर रही हैं। तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के दौलतपुर के गांव पास नेशनल हाईवे के समीप का है पूरा मामला। नाम परिचय श्रीवास्तव। सर, ये दौलतपुर गांव के समीप में जो मिनी स्टेडियम बन रहा है, यहाँ पर क्या मानक है के लेकर काम चल रहा है और उसके अलावा ये किस संस्था को ये प्रोजेक्ट मिला हुआ और कितनी लागत की मिली हुई है? ये UPPCL का प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। 4.14 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो मटेरियल लगाया जा रहा है, मटेरियल का मानक क्या चल रहा है इसमें? मटेरियल जो आपके जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो कुछ है मानक के अनुसार आपका सारा कुछ लग रहा है। आपने तो बता दिया कि जो मानक के अनुसार में जो मटेरियल लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं, उन्होंने जैसे बताया कि प्लास्टर के नाम पर यहाँ पर 6 एक का मसाला लगाया जा रहा है, लेकिन आपके ही टीम मेंबर ने ये बताया कि मुझे 4 एक का मसाला लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मिस्त्री बोल रहा है प्लास्टर करने वाला कि 6 एक का हो, आपका ही मेंबर कह रहा 4 एक का, इसमें कहाँ तक सही कहाँ तक गलत समझा जाए? तो मैं तो देखिए मैं इसमें ना लेबर की ना मिस्त्री की या नॉन टेक्निकल बंदे की किसी की बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा ऑन पेपर, जो हमारा पेपर जो कुछ कहता है, जो रेशियो पेपर कहता है। सर, रेशियो पेपर के आधार पे कभी जैसे दिया बता रहे हैं आप, उसमें कभी मानक पेपर के आधार पर कभी काम नहीं होता है? लेकिन जैसे यहाँ पर एक नंबर का ईटा गवर्नमेंट पैसा पे करती है, लेकिन यहाँ पर लाल पेटी ईटा लगाया जा रहा है। लाल पेटी ईट नहीं लग रही, वो एक्चुअली है क्या, देखिए मैं फिर आपको रिपीट करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात कही कि ट्रैक्टर जैसे आया, ईंट की गाड़ी आई 3,000 की, तो उसमें हो सकता 10-20-25 ईंटें ऐसी आए जो हम लोग रिजेक्ट करके अलग रखते हैं। जब इकट्ठे हो गई एक ट्राली तो वापस चली गई, ये होता है। बाकी ईंट आपके सामने भी लगी हुई है और ऐसा नहीं कि नहीं, मानक के अनुसार ही जो भी सारे कार्य हैं शासन के मानक के अनुसार ही हो रहे हैं। और ऐसा कहीं कुछ नहीं कि नहीं ईंट आपकी कहीं कुछ हो और या सर्वे जो कुछ मटेरियल ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसमें जो लेबर काम कर रही है, लेबर कहाँ की इसमें आप प्रयोग करवा रहे हैं? कौन सी लेबर? ये आपके MP के। MP की कितना लेवल लेबर यहाँ पे आया हुआ है? लेबर इस टाइम करीब